Hello everyone, first of all I welcome all of you in my channel Pratik Sir Online. Okay, and today's topic is the smart art in PowerPoint. और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का जो है वो मेरा ट्यूटोरियल है स्मार्ट आर्ट। काफ़ी लोगों को ये फीचर्स के बारे में नहीं पता है, और अगर स्मार्ट आर्ट अगर आप ठीक से सीख जाओ तो रियली आपका प्रेजेंटेशन एकदम हटके और सबसे अलग और सबसे अच्छा बन सकता है, एंड एवरीबडी इज गोइंग टू लाइक योर प्रेजेंटेशन। और अगर इंटरेस्ट बना रहेगा प्रेजेंटेशन देखने में तो आपका टॉपिक जरूर समझने की कोशिश करेंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे आर्ट है और वो भी स्मार्ट है नेचुरली, और हम सब भी स्मार्ट है तो स्मार्ट आर्ट का यूज करना ही करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं प्रैक्टिकली आपको हर एक स्टेप सिखाऊंगा कि किस तरह से स्मार्ट आर्ट वर्क करेगा, कहाँ कहाँ पे उसका यूज करना है। ओके, मगर उसके लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो मेरी चैनल को, प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल है मेरी, और बेल आइकन पे तो जरूर क्लिक करना है। एंड डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट, सेल्फ टेस्ट तो देनी है, क्योंकि ये ट्यूटोरियल के रिलेटेड कितना नॉलेज मिला वो चेक करना है। और सेल्फ टेस्ट की लिंक कहाँ पे होती है, YouTube में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक होती है, वो लिंक पे क्लिक करके सेल्फ टेस्ट जरूर देना है और अपना नॉलेज जरूर चेक करना है। बी विथ मी, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप यही चीजें डालोगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में तभी आपका प्रेजेंटेशन सबसे अलग और सबसे हटके बनेगा, और वहां जैसा वर्ड वो वाओ जैसा वर्ड जरूर सुनने को मिलेगा। तो लेट्स सी द पावर पॉइंट के अंदर स्मार्ट आर्ट कैसे ऐड करते हैं उसका पूरा डेमो हम देखते हैं। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले स्मार्ट आर्ट क्या है, क्या कैसे उसको ऐड किया जाएगा और किस तरह के उसके फीचर्स है, हम थोड़ी सी थियरी सीखेंगे और फिर हम इमीडिएटली जंप लगाएंगे प्रैक्टिकली। बी विथ मी, रियली वेरी इंटरेस्टिंग, आप भी देख के समझ जाओगे कि हाँ या तो हमने सिखा ही नहीं हो इतना अच्छा फीचर्स पावर पॉइंट का और हमको पता ही नहीं। रियली आपके प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा हट के बनाने के लिए एनिमेशन जरूरी है। एनिमेशन के वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं जिसमें आपको डिटेलिंग में एनिमेशन कैसे करना है पता चल जाएगा। आप एकदम हाई लेवल का एनिमेशन भी दे सकते हो वो ट्यूटोरियल देख के, नहीं देख सकते तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके अंदर है वो ट्यूटोरियल। और आज जो है स्मार्ट आर्ट है, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल दूंगा स्मार्ट आर्ट का। जैसे कि यहाँ पे एक आ रहा है एनिमेशन, तो आप देख सकते हो कि ये जो इंटरेस्टिंग पॉइंट आप जो देख रहे हो ये कलरफुल और द वे ऑफ एनिमेशन वो है स्मार्ट आर्ट। ऐसे काफी इंटरेस्टिंग स्मार्ट आर्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और ऐसे स्मार्ट आर्ट आपको अगर ऐड करना हो तो कैसे ऐड करना है, आपके पावर पॉइंट में इंसर्ट मेनू में जाना है। कहाँ पे जाना होगा, इंसर्ट मेनू में जाएंगे आप, इंसर्ट कैप के अंदर स्मार्ट आर्ट आपको मिल जाएगा, सेव के बाजू में ही वो ऑप्शन होगा। और जनरली स्मार्ट आर्ट की अलग अलग 7 कैटेगरीज है, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ स्मार्ट आर्ट, आप सोच लो कि 7 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि कितने सारे आर्ट आपको मिलेंगे। और जैसे कि यहाँ पे जो डायग्राम मैंने आपको इमेज दिखाई है उसके अंदर आप देख सकते हो कि 7 इमेज दिए, 7 कैटेगरीज दी है, लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, हायरार्की है, रिलेशनशिप है, ठीक है, वो सब है, पिरामिड है। तो सबसे पहले मैं आपको 7 का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ओके, एंड देन आई एक्सप्लेन हाउ टू ऐड दिस वन एंड हाउ टू चेंज द डिजाइन, स्मार्ट आर्ट के डिजाइन कैसे चेंज करेंगे, एनिमेशन कैसे चेंज करेंगे, शेप कैसे बदलेंगे, सब कुछ कर सकते हो आप। मगर बस बी विथ मी, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रियली यू एंजॉयड अ लॉट। ओके, तो सबसे पहले ये 7 जो अलग अलग कैटेगरीज मैंने दिखाई उसके एक एक इमेज मैंने आपके सामने रखी है। ये है लिस्ट की इमेज, ठीक है, लिस्ट यानी कि आपको कोई पॉइंट्स रिप्रेजेंट करना हो तो वो पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अलग अलग आर्ट है, ठीक है। प्रोसेस यानी कि आपको अगर अपने प्रेजेंटेशन में कोई प्रोसेस दिखानी हो कि हाँ पहले ये होगा उसके बाद ये होगा उसके बाद ये होगा, ऐसी कुछ प्रोसेस दिखाने के लिए भी काफी सारे आर्ट अवेलेबल है। फिर साइकिल, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ऐसा कुछ साइकिल की कोई पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना हो तो भी काफी अच्छे आर्ट्स अवेलेबल है। फिर हायरार्की लेवल होते हैं ना, एक लेवल टॉप लेवल, उसके नीचे 2 के नीचे 3, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छे आर्ट्स अवेलेबल है यहाँ पे, जिसको देखकर आप रियली मैं अपने टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डायग्रामेटिकली आर्टिस्टिक वे पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी को भी। फिर रिलेशनशिप,
यहाँ पे रिलेशनशिप, दैट मीन्स यू वॉन्ट टू सो द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा, यानी कि दो वैल्यू के बीच में रिलेशनशिप क्या है, दो पॉइंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है, बैलेंस कितना है, कौन बड़ा कौन छोटा, वो सब रिप्रेजेंट करने के लिए भी यहाँ पे आर्ट अवेलेबल है। ठीक है, मैट्रिक्स जो मैथ्स और साइंस दोनों में आता है उसको भी आप मैट्रिक्स वे पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड पिरामिड वे है। ठीक है, लोअर लेयर, अपर लेयर, अपर लेयर, अपर लेयर, लाइक दैट पिरामिड लेयर भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने आपको सबके एक एक इमेज दिखाई, एग्जाम्पल दिखाए। डेमो में मैं आपको एक या दो या तो किस तरह से ऐड करना है वो सब कुछ सिखा दूंगा, फिर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द डेमो ऑफ दिस स्मार्ट आर्ट। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको कहाँ कैसे ऐड करना है, तो क्या इंसर्ट मेनू में जाना है, इंसर्ट टैब में जाओ और उसके अंदर सेव के बाजू में स्मार्ट आर्ट आपको मिल जाएगा। फॉलो माय माउस पॉइंटर, हर एक स्टेप को मैं आपको सिखाऊंगा। स्मार्ट आर्ट मैंने ले लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने सारे ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, लिस्ट, तो ये लिस्ट अपने लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए इतने सारे हैं। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि आप कुछ लिस्ट ऐसे भी है आर्ट जिसमें आप फोटोग्राफ भी ऐड कर सकते हो। फोटोग्राफ आ गया, पॉइंट आ गया, उसके अंदर के डिटेलिंग आ गई, उससे ज्यादा और क्या चाहिए, वो भी आर्टिस्टिक वे पे, है ना, इंटरेस्टिंग। ओके, उसका भी मैं एक एग्जांपल आपको लाइव करूंगा, दिखा कर करूंगा। ठीक है, तो आपको आइडिया आ जाएगा किस तरह से वर्क करना है। लिस्ट है, ये प्रोसेस के आगे इतने सारे आर्ट अवेलेबल है टू शो योर प्रोसेस साइकिल, इतने सारे आर्ट है। हायरार्की दिखाने के लिए भी हमारे पास इतनी सारी वेराइटीज है। रिलेशनशिप में दिखाने के लिए इतने सारे ऑप्शन है हमारे पास, मैट्रिक्स है, पिरामिड है और पिक्चर वाले सब बहुत इंटरेस्टिंग है। वन बाय वन भी हम चेक एवरीथिंग। सबसे पहले लिस्ट ले लेते हैं, चलो लिस्ट में सबसे सिंपल वाला हम ले लेते हैं, उसके बाद हम उसके अंदर डिटेलिंग करेंगे। तो मैं एक आर्ट ले रहा हूँ लिस्ट का, सबसे पहले वाला ले लिया, ये आ गया आर्ट। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सभी रेक्टेंगल्स को मैं अलग से हैंडल कर सकता हूँ, सभी रेक्टेंगल्स को अलग से मूव कर सकता हूँ, सभी रेक्टेंगल को मैं अलग से कलर भी चेंज कर सकता हूँ, डिजाइन भी चेंज कर सकता हूँ। मगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कॉमन चीज स्मार्ट टूल्स की, स्पेशल है जो सीखना है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, बस क्लिक कर लो और टेक्स्ट डाल दो। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1 2, यानी कि लिखने के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स भी आपके पास पहले से ही अवेलेबल रहेगा, जो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। ठीक है, ये तो चलो नॉर्मल हो गया। इसी चीज को टेक्स्ट को डालना हो अलग तरीके से इजिली, कोई आपको डायरेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करके कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे आप मेरे साथ लेफ्ट साइड आओ फाइल मेनू के नीचे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ऐड शेप। मान लो कि अभी 5 शेप अवेलेबल है, तो 5 शेप से मुझे ज्यादा शेप चाहिए, तो ऐड शेप में ऐड शेप आफ्टर, बिफोर, एबो, बिलो, ठीक है, सब कुछ है। मैं ऐड आफ्टर ले रहा हूँ, 6 शेप हो गए, क्लियर है। मैं अभी कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ तो वापस अपने आप जैसा हो जाएगा। यानी कि आपको ज्यादा भी शेप चाहिए तो आप बीच में कहीं पर भी ऐड करके लिस्ट में और मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया टेक्स्ट पेन, जिसकी मैंने बात की थी। अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट नहीं डालनी है तो टेक्स्ट पेन में जाओ, हर एक रेक्टेंगल्स की यानी कि हर एक बॉक्स की आपको टेक्स्ट का पॉइंट्स आ जाएगा, आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो आप करो जाएगा, मैं चेंज कर रहा हूँ वहां पे। ठीक है, एंटर करने पर एक बॉक्स नया भी ऑटोमेटिक एड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैंने सिंपल यहाँ पे कर्सर रखा, एंटर किया, एक बॉक्स ऐड हो गया, वापस कुछ लिखा, एंटर किया, वापस एक बॉक्स ऐड हो गया। जितने ऐड करने आप कर सकते हो, यहाँ से निकालोगे तो वहां पर भी ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, वो रेक्टेंगल ही निकल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे अलग अलग रास्ते से आप यहाँ पे अपने काम को और आसान और अट्रेक्टिव बना सकते हो। ये बंद कर दो फिर उसको, यही चीज आपको ओपन करनी हो तो यहाँ पे ट्राइंगल है, थोड़ा सा एरो दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करने पर भी टेक्स्ट पेन ही खुलेगा, जैसे कि खुल गया है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अभी मैं इसका थोड़ा सा मैं आपको इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं मेरा वीडियो थोड़ा सा निकाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा सा उस साइड की बात करनी है। क्लियर, अभी यहाँ पे आप देखो मैंने ये इसको सिलेक्ट किया, स्मार्ट टूल में जाओ, यहाँ पे काफी सारी आपको वेराइटी मिल रही है स्मार्ट आर्ट स्टाइल की, कलर कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हो चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये तो कुछ नहीं, रुको भी मैं बहुत सारी चीजें दिखा रहा हूँ, अब बोलोगे कि यार क्या है इसमें, आप देखो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो। ठीक है, पूरी डायरेक्शन चेंज हो गई, लुक्स लाइक ग्रेट इफेक्ट, 3D इफेक्ट जैसा लगता है।
अगर इस तरह से आप अपने मतलब किसी को भी आप रिप्रेजेंट करोगे तो नेचुरली ये कोई नॉर्मल यूजर नहीं कर पाएगा, जिसने प्रॉपर सीखा है यही सब टेक्निक उसके अंदर प्रेजेंटेशन में ऐड करेगा। और यही सब चीजें ऐसी है जो आपको बाकी सबसे अलग और सबसे आगे रखेगा। और इसीलिए ये चीज को मैं थोड़ा ज्यादा वेटेज दे रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल चीज तो सबको पता है, स्लाइड बनाना, स्लाइड के अंदर कंटेंट डालना, फोटो डालना, स्लाइड शो करना, किसको नहीं आता, आजकल सबको आता है। मगर ये जो चीजें है वो मेन है, वो आपको दूसरों से आगे रखेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अलग अलग स्टाइल मिल जाती है। अगर बात मैं करूँ, मान लो कि चलो मैं इसकी स्टाइल बदल देता हूँ, मैंने ये चल दिया, यहाँ पे लेआउट्स अलग अलग अवेलेबल है, ये इमेज वाला आ गया, देखो बीच में इमेज आ रही है। ठीक है, चलो एक इमेज वाला लेके दिखाता हूँ मैं आपको, अच्छा वाला, जिससे आपको थोड़ा लगे कि नहीं है कुछ बात, जैसे कि मैंने ये ले लिया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सभी सर्कल में इमेज में डालना चाहूँ तो मैं डाल सकता हूँ, लिस्ट है, लिस्ट में भी इमेज। ठीक है, चलो एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर आपको इमेज डालनी है तो इमेज में क्लिक करो, यहाँ पे सिंपल क्लिक कर दिया, आपको पूछा जाएगा कि कहाँ से आपको फोटोग्राफ डालना है, मैं यहाँ पे आपको फोटोग्राफ डाल के दिखाता हूँ थोड़े से, दो तीन चार। ठीक है, जैसे कि ये है, तो एक मैंने पेन ड्राइव का फोटो डाल दिया, ये सीडी आ गई, चलो सीडी का फोटो डाल दिया, यहाँ पे वन लिखा हुआ है उसकी जगह पे मैं वहां पे सीडी लिख देता हूँ, चेंज कर दिया। ऊपर के बॉक्स में भी आप डबल क्लिक करो, या तो बॉक्स सिलेक्ट हो गया, राइट क्लिक करो, उसमें आपको जाना है एडिट टेक्स्ट में, कहाँ जाना है, एडिट टेक्स्ट में। हर एक चीज को आप चेंज कर सकते हो, हर एक चीज को आप मॉडिफाई कर सकते हो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट। यहाँ पे मैं वही करके देख रहा हूँ, देखो ऊपर का बॉक्स खाली है, मुझे कुछ लिखना है, मैंने लिख दिया, जैसे कि कॉम्पैक्ट डिस्क। अगर आप बोल रहे हो सर हाँ ये तो इतनी बड़ी फॉन्ट साइज थोड़ी होती है, तो वो तो आप सेट करना आपको आता ही है, होम में जाके आप फॉन्ट साइज सेट कर दो अच्छे से। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना है, वापस एंटर की करो, दूसरा पॉइंट आ जाएगा सीडी, ये हो गया फर्स्ट। दूसरे में ऐड करते हैं, चलो दूसरे में वापस इमेज के ऊपर क्लिक करो, कोई दूसरी इमेज सिलेक्ट कर लो आप, जो भी पसंद आया आपको। ये मैं आपको डाल दिया पेन ड्राइव, यहाँ पे टू की जगह पे मैं कर देता हूँ पेन ड्राइव, आप सब कुछ चेंज कर सकते हो यहाँ पे, अपने आप फॉन्ट की साइज छोटी हो गई, वो भी आपने चेक किया, काफी सारा टाइम आपका सेव कर देता है, इट सेव्स अ टाइम लॉट ऑफ। मैं आपको डिटेलिंग कर रहा हूँ स्मार्ट आर्ट के बारे में, इतना डिटेलिंग आप कोई भी ट्यूटोरियल में नहीं मिलेगा, और इसलिए शायद मेरे वीडियोस बड़े बनते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई ट्यूटोरियल देखते हो तो आपको फिर दूसरे ट्यूटोरियल देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको इतना डिटेलिंग कर रहा हूँ कि आपको दूसरे कोई जाने की जरूरत ही नहीं, एक ही ट्यूटोरियल में आप अच्छे से सीख जाओ, तभी तो आप ये ट्यूटोरियल देख रहे हो सीखने के लिए। ठीक है, इसमें भी अगर आपको ऊपर डालना है तो राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट आप कर सकते हो और वापस एंट्री कर सकते हो, है ना, एकदम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। अभी और आगे इंटरेस्टिंग बताऊंगा, इसी को चीज को थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए मैं टेक्स्ट पेन ओपन करूंगा, देखो यहाँ पर भी इमेज ऑप्शन आ गया, ये थर्ड में इमेज, आपको अगर यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा है तो आप टेक्स्ट पेन में जाके आराम से इमेज के ऊपर क्लिक करके इमेज एड कीजिए, बाजू के बॉक्स में से आप जो है ये इमेज आ गई, और यहाँ पे आप लिख दीजिए कुछ भी कंटेंट, इजीली हो जाएगा आपका काम। ठीक है ना, और फिर उसको क्लोज कर लीजिए। काफी सारा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने बताया आपको, ये तो अभी कुछ नहीं और मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने आपको सेव कैसे ऐड करना है, कोई ऐड करना हो, डिलीट करना हो, डिलीट करना हो तो एकदम आसान है, सिलेक्ट कर लो और डिलीट कर दो, डिलीट हो जाएगा डिलीट की प्रेस करने पर। ठीक है, टेक्स्ट पेन मैंने सिखा दिया क्या उसके अंदर कंटेंट कैसे ऐड करना है, मूव अप मूव डाउन, किसी की पोजीशन चेंज करनी हो तो भी आप चेंज कर सकते हो, ये भी ध्यान रखना। मैंने सिलेक्ट कर लिया इसको, मूव अप कर रहा हूँ, देखो फोर कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, वापस मूव डाउन, यानी कि सब कुछ सभी फैसिलिटी यहाँ पे है, बस आपको पता नहीं था इसलिए, और जो मैं सिखाने का काम दे रहा है। ठीक है, अभी तक आपको यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा, लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो करके रखना ही रखना है, क्योंकि ऐसे मेरे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी 70 अप वीडियोस है, और आगे फ्यूचर में भी लाइफ टाइम मैं वीडियोस डालता रहूंगा, और वो जल्दी से जल्दी आपको मिले, इसलिए प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करके रेडी रहो, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं, और इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ कलर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आप चेंज कलर्स देख रहे हो, चेंज कलर्स में आओ, यहाँ पे आपको कलर की वैरायटीज मिल जाएगी, आप देख सकते हो, लुक एट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं थोड़ा सा उसको साइड में ले जाता हूँ, बॉर्डर हाईलाइट हो गई, कलर कॉम्बिनेशन आप देखो, हर एक फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, और उसको अगर मैं थोड़ा और अट्रेक्टिव कर दूं, आप ये देखो स्टाइल इसकी, और अगर मैं अगर स्लाइड शो में दिखाऊं उसको बड़ी स्क्रीन में तो कैसा लगता है देखो,
लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, 3D इफेक्ट आएगी, आप अपने प्रेजेंटेशन को बेस्ट टू बेस्ट वे पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप किसी को ये नॉलेज नहीं होता है, बहुत कम लोग जिसने पावर पॉइंट प्रॉपर सीखा होता है, ठीक है, उसी के पास ये नॉलेज है और मैं आपको दे रहा हूँ, और आप लकी हो कि आप ये ट्यूटोरियल देख रहे हो और ये आपने सीख लिया, आप सबसे आगे जरूर बनोगे अगर आप ये टेक्नोलॉजी यूज करोगे सभी, ठीक है। तो ये आ गया कलर कॉम्बिनेशन की बात मैंने की, तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ तो उसकी इफेक्ट काफी चेंज हो जाती है। फिर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सभी के सभी ऑप्शंस मैंने आपको सिखा दिए, अगर इसी को मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, आपको लगे कि भाई मुझे डायग्राम नहीं चाहिए, नॉर्मल कंटेंट्स मुझे चाहिए, तो आप अपने आर्ट को सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर दो, वो एकदम हो जाएगा नॉर्मल, हो गया ना पहले जैसा, मैंने अंडू कर दिया इसलिए वापस आ गया, ठीक है। अभी सभी का कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना हो एक एक बॉक्स का, तो आप वो भी कर सकते हैं, सेफ फील्ड में जाओ, ठीक है, आप देखते हो यहाँ पे कलर चेंज होंगे अपने तरीके से, तो आपको पता ही है कलर कैसे देना है, किस तरह से देना है, मगर ये तो रेडीमेड फैसिलिटी थी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कंप्यूटर की इनबिल्ट फैसिलिटी भी एकदम खतरनाक होती है, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम आप कर सकते हो। मैंने कलर चेंज कर दिया, यहाँ आउटलाइन चेंज करना है, ओके, शेप चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हो, मैं वापस थोड़ा सा नॉर्मल ले लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना। ये जो मैंने ऊपर का स्क्वायर सिलेक्ट किया ना, आपको पता है अगर वो शेप भी चेंज करना है तो कर सकते हो, राइट क्लिक करो उसके ऊपर, सिंपल शेप के ऊपर राइट क्लिक, चेंज शेप, आपको जो शेप रखना हो रख सकते हो, इतने सारे शेप आपके पास है, और अट्रैक्टिव बनाना है तो बना सकते हो, और आर्टिस्टिक आपको बनाना है तो आप बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी शेप चेंज करके थोड़ा सा मैं डायमंड जैसा ले रहा हूँ, चलो, तो ये हो गया डायमंड शेप, अभी आपका जो पॉइंट है वो डायमंड शेप में लिखा हुआ आएगा। दूसरा सिलेक्ट किया, चेंज शेप, वापस डायमंड ही लेता हूँ, ओके, चलो ये ले लिया मैंने थोड़ा सा हेक्सागन जैसा, ठीक है। तो इस तरह से आप शेप भी चेंज कर सकते हो, वो शेप में भी कलर डालना है तो आप कलर डाल सकते हो, क्योंकि वो अलग से एक शेप है ना, तो नेचुरली है, उसको भी आप कलर दे ही सकते हो, क्यों नहीं दे सकते, ठीक है। फिर आपको दूसरी स्टाइल अगर देनी है तो आप दूसरी स्टाइल दे सकते हो, देखो ये, देखो ये स्टाइल, देखो आप इमेज बड़ी साइज में आएगा, पॉइंट्स बड़ी साइज में आएंगे, ठीक है, ये इमेज वाले एग्जांपल्स आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से आपका जो है डेटा रिप्रेजेंट करने का यह तरीका है अलग अलग, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ अलग अलग तरीके से, क्लियर हो गया। तो आई थिंक नाउ इज वेरी क्लियर अबाउट द स्मार्ट आर्ट, मैंने दूसरा ले लिया, ये वापस ले लिया, सब कुछ पॉसिबल रहेगा हमारे लिए, ठीक है। मैं वापस यहाँ पे आ गया डायमंड शेप के अंदर, डिजाइन में आ गया, डिजाइन में उसके कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकता हूँ, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना अट्रैक्टिव बनाना है अपना प्रेजेंटेशन। थोड़ा सा हम उसको स्लाइड्स में फुल स्क्रीन में एक बार देख ले, अभी बात करता हूं मैं उसको एनिमेशन कैसा देना। तो स्मार्ट सिंपल एनिमेशन दो, ज्यादा हाई फाई एनिमेशन कभी स्मार्ट आर्ट में नहीं होता है, अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि ऑलरेडी आपने इतना सारा ऐड किया हुआ है, तो करना सिर्फ यही है। एनिमेशन के लिए कहां जाना होता है, एनिमेशन में, एनिमेशन पेन में जाओ आप, ठीक है, ऑलरेडी मैंने एक एनिमेशन दिया हुआ है, दूसरा एनिमेशन एड एनिमेशन में जाता हूं मैं, एंट्रेंस की कुछ इफेक्ट देता हूं। अगर आपको एनिमेशन नहीं पता है तो मेरा एनिमेशन इन पावर पॉइंट पे डिटेलिंग वीडियो है, उसमें आप देख लेना, ठीक है, पूरा आपको गाइड मिल जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा एक एनिमेशन आपको देख देता हूँ, ये मैंने ऐड कर लिया, ठीक है, ये पूरा का पूरा किसको मिला, इसको मिला यहाँ पे स्मार्ट आर्ट को। अभी इसके ऊपर क्लिक करो, इफेक्ट ऑप्शन में जाओ, यहाँ पे स्पेशल ऑप्शन आ गया स्मार्ट आर्ट एनिमेशन, क्योंकि आपने स्मार्ट आर्ट ऐड किया है, इससे पहले नहीं मिलता था। यहाँ पे एज वन ऑब्जेक्ट ऑल एट वंस, वन बाय वन, बाय लेवल एडवांस एंड बाय लेवल, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वन बाय वन, तो पहले पहला आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, ठीक है, देखते हैं। चलो मैंने ले लिया वन बाय वन, ओके, हम इसको देखेंगे स्लाइड शो में पर्सनल, ठीक है, बड़ी स्क्रीन में देखो, यहाँ पे वन बाय वन सब कुछ आ रहा है, तो जैसा आपको ठीक लगे आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, वापस इफेक्ट ऑप्शन में गया, स्मार्ट आर्ट एनिमेशन यहाँ पे ऑल एट वंस, तो पूरा का पूरा एक साथ आ जाएगा,
ठीक है, तो ये हो गया एनिमेशन देना। तो मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ दिखा दिया, ठीक है, स्मार्ट आर्ट ऐड करना, स्मार्ट आर्ट के जितने भी ऑप्शंस थे, स्मार्ट आर्ट टूल्स मैंने पूरा सिखा दिया आपको, जिससे आप अपने स्मार्ट आर्ट को ज्यादा से ज्यादा अट्रेक्टिव बना सको, ठीक है। और साथ में मैंने आपको कलर कॉम्बिनेशन एनिमेशन कैसे दिया वो भी मैंने आपको सिखा दिया। अभी आपको यहाँ पे करना यह है कि सेव कैट देना नहीं भूलना है, डोंट फॉरगेट टू गिव अ सेव कैट ऑफ दिस ट्यूटोरियल, उसकी लिंक YouTube में डिस्क्रिप्शन पार्ट में है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू क्लिक ऑन लाइक एंड पोस्ट अ कमेंट इन अ YouTube, जिससे मैं आपको भी रिप्लाई दे सकूं YouTube के अंदर। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करके रखे मेरी चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन को। थैंक यू।